अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज सुबह तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 6-6:30 बजे का टाइम होगा, सूरज अभी नहीं निकला। आज हम घर में अकेले हैं और जब बंदा अकेला हो तो आपको पता है फिर उसे नाश्ते का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। मच्छर दरवाजे के आगे घूम रहा है, नाश्ते का इंतज़ाम ये है कि फ्रिज में पड़ी हुई है गोभी, अभी वो निकाली है और ये देखना रात को ये मंगवा दी थी रोटियाँ। गोभी को कर लेते हैं अब गर्म, रोटियाँ मौजूद हैं, नाश्ते का जो सिलसिला है ना कम अज़ कम ये ठीक हो जाएगा। गोभी जो है मुझे बड़ी टेस्टी लगती है इसलिए मैं तो ज़्यादा ही गोभी खाता हूँ। ये देखिए गोभी, आलू वो डाल लेते हैं, इसको रखते हैं ओवन में, ये ओवन में रखा और एक मिनट के लिए ना चला देते हैं ओवन एक मिनट के लिए। रोटियां रखते हैं इसमें, ये दो रोटियां निकालते हैं इधर से, ये आ गया। गोभी को रखते हैं फ्रिज में वापस, और इसका भी काम हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ये अब अपना हो गया नाश्ता सीधा। 7:30 बज चुके हैं और मछलियों को भी अपना फीड डाल दें क्योंकि घर तो बंदा कोई नहीं, ये काम भी हमें आज करना पड़ेगा। मछलियों को जब पकड़े ना फीड के, इसको शापर को तो इन्हें पता चल जाता है कि फीड डालने लगे। ये ऐसे खाती हैं ये फीड ऊपर जाके ना, मजीद डाल देते हैं। आज कमरे में ना मच्छर घुसे हुए थे कि जैसे ये बैठ गए हैं, ये देखिए ना बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने रात को सोने नहीं दिया, बड़ा तंग किया इन्होंने रात को, इन्हें बाहर निकाल दिया। चलो ये गर्मी बड़ी हो गई है तो गाड़ी में ब्लेंडर लगवाने पड़ गए हैं जी। ये देखिए भी ब्लेंडर में, इन्हें दी कीमत क्या होती है जी? 500 अच्छा, 4 ब्लेंडर जनाब, 2000 दे नहीं, 600 ते 4 हो गए, 600 के 4 अजे रहने दो, मैं जाना है फिर गंदी हो जाए, कल धो दो परसों धो दो। नहीं तो बाजी ते गए सन कल उत्थे लग गई मीटिंग, कपड़े बाद च ठीक है, मैं कहना रहन दो छे को मिट्टी आई इन्नी फिर गंदी हो जानी। कावरा जना बेर भी रख गया इधर, ये देखो मीठे मीठे बेर, आठे बेर।
चलें जी अभी फिर फार्म पे चलते हैं, शूज गंदे हैं कल के, आए तो बाद में बंदा भी पूरी साफ करने वाला, खुद ही ब्रश करना पड़ेगा थोड़ा सा। शूज पहन के ब्रश कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्रश गुजारा हो जाएगा। चलें गाड़ी बाहर निकाल दी है हालत ने, और बकरी का कुछ घी था वो भी लेके जाना था, वो भी उसने गाड़ी में रख लिया। मुबारक जी हालत। ड्राइवर कह रहा है उसका छोटा बेटा जो है वो आठवीं क्लास में चढ़ गया, हालत भी बहुत पतला ड्राइवर है हमारा, ये देखिए कितना पतला है। एक अक्सर गाड़ियों की जो सीटें हैं ना वो बैठ गई हैं हालत के वजन की वजह से। अभी फार्म से फारिग होके तो इधर रैबिट फार्म पे पहुंच गए, आज तो फार्म पे सारा दिन मेहमान ही मेहमान रहे हैं। कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई वाहकेंट से है, कोई लाहौर से है, कोई कहाँ से है, कौन से। आखिरी जो मेहमान थे वो ये मियाँ बरादरान में से थे, वो भी बकरी फार्मिंग करना चाहते हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी। बहरहाल आज का दिन तो इसी तरह गुजर गया, अब तो रात हो गई और सोने का वक्त करीब आ गया बिल्कुल। किसे ढूंढोगे इन गलियों में नास, चलो अब घर चले, दिन जा रहा है तेरे खाने का, धोखा सा रहा है तेरे आने का।